हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एवेंजर्स एंड गेम मूवी तो आपने देखी होगी। उस मूवी के लास्ट में, एंडिंग सीन में, जो विलेन होता है, फेमस विलेन थैनोस, उसका एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है और वो डायलॉग हम लोगों को बहुत चीज़ सिखाता है और हमें लाइफ का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट लेसन बताता है। उस डायलॉग में एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ लेसन छुपा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लाइफ की हर चीज़ से सीखने की कोशिश करता हूं और उस चीज़ को आप लोगों के पास शेयर करता हूं। तो एवेंजर्स एंडगेम मूवी में थैनोस बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि जब आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो बाकी बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन ये इंसान अपने बीते हुए कल को ज़ख्मों की तरह चाटते हैं और जब तक ये इंसान अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, तब तक ये लोग अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। तो ये डायलॉग जो है कि इंसान अपने बीते हुए कल को ज़ख्मों की तरह चाटता है, एक्चुअली में ये सही बात है और दुनिया के मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। और जब मैंने लोगों से बातें की, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने का शौक़ है, मैं लोगों से अक्सर इंटरेक्ट करता रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि लोग अक्सर अपने पास्ट के बारे में लेकर रिग्रेट करते रहते हैं, पछताते रहते हैं मैक्सिमम लोग, और मैक्सिमम टाइम अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपने पास्ट में देखना कोई गलत बात नहीं है, एक्चुअली अपने पास्ट को देखना चाहिए। क्यों? रिफ्लेक्शन के लिए, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। लेकिन हर वक्त अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहना, हर वक्त अपने पास्ट को लेकर के रिग्रेट करते रहना कि मैंने जो किया मुझे वो नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है और दुनिया के मैक्सिमम लोग ऐसा करते रहते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च या फिर आई थिंक एक बहुत बड़े महान आदमी ने कहा है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि जो इंसान अपने फ्यूचर को लेकर के ऑब्सेस्ड रहते हैं, जो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं, वो लोग लाइफ में अच्छा करते हैं और ज़्यादा अच्छा करते हैं, बजाय उस इंसानों के मुकाबले जो लोग अपने फ्यूचर के बारे अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब कि अगर हमें लाइफ में अच्छा करना है, हमें लाइफ में बेहतर करना है, तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर को लेकर के काम करना चाहिए, अपने फ्यूचर पे काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहें, अपने पास्ट को लेकर के रोते रहें, उन गलतियों पे हम लोग पछताते रहें। तो ज़िंदगी जीने का बेस्ट तरीका है कि पास्ट को देखो, लेकिन सीखने के लिए। लेकिन रिग्रेट के बारे में कहा जाता है, गैरी वी कहते हैं कि रिग्रेट इज़ द बिगेस्ट पॉइजन इन अस, मतलब कि हम लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा जहर है, जो पॉइजन है, वो रिग्रेट है। एक्चुअली मेरे हिसाब से एक इंसान को रिग्रेट होना चाहिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, लेकिन उसे उस गलतियों को पकड़ करके बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस रिग्रेट से, उस गलती से सीख लेना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो रिग्रेट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, और आप अगर ज़्यादा रिग्रेट करते हैं तो फिर आपके अंदर वो रिग्रेट वाला पॉइजन आ जाएगा। तो वेल देन, दिस इज़ द लाइफ लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम मूवी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।